हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये रेड लाल और हरी मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत आसान है। तो दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सब मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए मेरे न्यू अपलोड्स को देखने के लिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैंने मिर्ची ली है, ये लाल और हरी दोनों ली है मैंने, और इसमें मैंने इसको काट के पोंछ लिया है, और काट के मतलब इसकी जो डंडी थी ये निकाल के धो के और निकाल दिया है मैंने इसको, और पोंछ के साफ़ कर लिया है। इसमें मैंने एक चीरा लगाया है, तो इसमें मैंने इस तरीके से बीच से एक कट लगा दिया है, ये देखिए। तो ऐसे मुझे कट लगाना है सारी मिर्चियों में, तो जो कि मैंने कर लिया है पहले से ही। तो और अब मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ नमक, इसमें कि ये नमक भी जाएगा, और एक छोटा चम्मच ये हल्दी ली है मैंने, एक छोटा चम्मच ये सरसों पाउडर जाएगा, एक चम्मच ये अमचूर पाउडर भी जाएगा इसमें, और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, तो ये एक छोटी चम्मच मैंने ये भी लिया है। दोस्तों, ये अचार है का जो मसाला होता है, भरवा मसाला जिसे बोलते हैं, अचार मसाला भी बोलते हैं, तो वो मैंने लिया है करीबन 4 चम्मच। और इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर कि इसकी रेसिपी आपको चाहिए, तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। और दोस्तों, ये 2 चम्मच भी सिरका विनेगर, यानी कि जो सिरका होता है विनेगर, ये भी जाएगा इसमें। और दोस्तों, ये सरसों का तेल है, और 2 चम्मच के आसपास ये भी इसमें जाएगा अचार में। तो सबसे पहले मुझे एक बाउल चाहिए, और इसमें मैं लूँगी ये भरवा मसाला, जो अचार मसाला है ये मैं लूँगी करीबन 4 चम्मच लिया है मैंने छोटा चम्मच। अब इसमें मैं मिलाऊँगी हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाया है मैंने। अब इसमें जाएगा नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मिलाएंगे, 1 चम्मच इसमें जाएगा अमचूर पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा सरसों का पाउडर, 1 छोटा चम्मच जाएगा इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों को। इसको तो मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच सिरका। मैंने ये वाइट सिरका लिया है, अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। और इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, ये मैंने मिक्स कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिक्स हो गया है। और अब मैं इसको मिर्ची में जो मैं भर लूँगी, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने मिर्चे लिए थे, और इसको मैं हाथ से पहले मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से, जिससे कि इसमें, आप चाहें तो नमक आप इसको इसमें देख चेक कर सकते हैं नमक या खट्टापन, क्योंकि नमक सही होना ज़रूरी है और खट्टापन भी बहुत ज़रूरी है। जब ये खट्टे होते हैं, खटाई इसमें जो पड़ती है अमचूर पाउडर, अगर सही होता है खाने में तभी मज़ा आता है, खट्टे और तीखे चटपटे। और ये जो मेरी मिर्च है ये काफ़ी तीखी वाली है, तो इसको बनाना बहुत इजी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। मैंने इसमें ऐसे ही मसाले को भर देंगे, जो कि बहुत ही आसानी से भर जाती है,
ये देखिए इसी तरीके से मैं और मिर्ची भी भर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसी तरीके से मैं सारी मिर्चें भर लेती हूँ जब तक। तो दोस्तों मैंने ये सारी मिर्च जैसे आके आप देख रहे हैं ये मैंने भर ली हैं मसाले से, और अब मैं पैन चढ़ाती हूँ। तो ये मैंने पैन रख दिया है दोस्तों, अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूँगी, वो भी सरसों का तेल। जब तक ये गर्म हो रहा है, ये ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें मैं मिर्ची डाल दूंगी। ये झटपट से बन जाती है दोस्तों, खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप इसे प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और ये सबको पसंद आएगी घर में। तो ये देखिए आप इसमें तैयार हो गया है, बस इसको हम 2 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लेंगे। देख रहे हैं जैसे कि आप इसमें ये अभी ये मेरी मिर्ची हो गई है, इसमें मुझे ज़्यादा नहीं पकाना है कि बिल्कुल गल जाए, और अब मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ और ये हो गई है। तो अब ये मेरा रेडी हो गया है, तैयार हो गया है मिर्ची का अचार। अगर दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको आप स्टोर कर सकते हैं कम से कम 1 महीने के लिए। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।